अगर बच्चों ये वाला चीज अगर यहाँ पर देखोगे तो बेसिकली देखो यहाँ पर बेसिकली अगर देखोगे एबीसी या थ्री पार्टिकल है, और अगर एक बिल्डिंग से मैं तीन पार्टिकल फेंकता हूँ तो ये एक बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग से अगर मैं तीन पार्टिकल यहाँ पर मैं फेंक देता हूँ, दिस इज़ द बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग से मैं थ्री पार्टिकल फेंकता हूँ, तो अगर मैं तीन पार्टिकल यहाँ से फेंकता हूँ तो एक को मैं ऊपर फेंका और एक को मैं इधर फेंका और इसको मैं इधर फेंका, तो ये यहाँ से ये वाली चीज़ इधर, और एक ऐसे जाएगी, ठीक ना, और ये यहाँ पे ऐसे जाएगी, ठीक ना, तो ये यहाँ से ऐसे जाएगी ये वाली चीज़, ये तो अगर आप यहाँ से देखोगे ये वाला जो पार्टिकल है, तो यहाँ से पार्टिकल अगर ये देखोगे यहाँ पे, तो तुम देखो ए बी सी या थ्री पार्टिकल्स है, ये ए है, ये ए है, और ये बी है, और ये सी है, ठीक है, तीन पार्टिकल है। अगर देखो इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है बच्चों, अगर काइनेमेटिक्स से करोगे तो बहुत लंबा जाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन से करो, अगर ये हाइट एच है, तीनों का हाइट सेम है और तीनों के मतलब ए टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट, जब ये हीट करेगा तो मैकेनिकल एनर्जी एट द टॉप पॉइंट और मैकेनिकल एनर्जी एट द बॉटम पॉइंट, ये ठीक है ना, ये बॉटम पॉइंट अगर मैं इन तीनों के लिए लगाऊं तो तीनों की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ई स्क्वायर है और पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच है, जब ग्राउंड को हीट करेंगे तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वाला जो फैक्टर है ये वाला एम जी एच और ये इन तीनों के लिए बच्चों सेम है एनर्जी कंजर्वेशन से, तो इसका मतलब ये है कि तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, ठीक है ना, थ्री पार्टिकल फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, तो अगर तुम ये तीनों का सेम है क्योंकि मास यहाँ से कट जाएगा, समझ रहे, मास यहाँ से कट जाएगा, तो तीनों की स्पीड क्या होगी, मास इंडिपेंडेंट है तो तीनों की स्पीड क्या होगी, सेम होगी, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ सी, वेलोसिटी नहीं इक्वल होगी, स्पीड इक्वल होगा, इन तीनों की स्पीड इक्वल होगी, मतलब ए ऑप्शन सही है। अगर ये फर्स्ट मेथड अच्छा नहीं मतलब लगा तुम्हें, क्योंकि ये बहुत अच्छा था, तो हो सकता बहुत अच्छा चीज़ बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो काइनेमेटिक से भी इसको कर सकते हो, काइनेमेटिक से थोड़ा सा लेंदी जाएगा, चलो मैं कर देता हूँ तुम्हारे लिए, तो ये देखो सेकेंड मेथड से अगर करोगे तो पहले वाले बॉल को ऊपर फेंके हो, तो जो एच हाइट की बिल्डिंग से ऊपर फेंका गया है बॉल, यहाँ से ऊपर फेंका गया है तो वो नीचे ही आएगा यार, ठीक ना, ये बिल्डिंग थी, तो ये बिल्डिंग थी ये वाली चीज़, तो जो ऊपर फेंका गया पहले वाला बॉल ए को मैं मान लेता हूँ ऊपर फेंका गया यू से, तो भी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मैं इसको लगा देता हूँ, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यू, और एक्सलेशन यहाँ से जी और टाइम टी, तो यहाँ से तुम देखोगे टाइम अलग अलग आ जाएगा ना यार, तो थर्ड इक्वेशन हम मोशन लगाते हैं, पहले वाले के बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर में 2s लगाऊं तो फाइनल स्पीड ए का इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और यहाँ से तुम देखोगे प्लस 2gh अंडर रूट, नीचे की डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लिया हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है, ये तो अगर मैं दूसरे का जो वेलोसिटी है बी के लिए लगाऊं तो जो नीचे फेंका गया था मैं उसके लिए लगाऊं तो बी भी इज इक्वल टू उसके लिए भी यू स्क्वायर और प्लस 2gh अंडर रूट, ठीक ना, ये रहा अपना सेकेंड, जो ऐसे हॉरिजेंटल फेंका गया था तो जो हॉरिजेंटल बॉल यहाँ से हॉरिजेंटल फेंका गया था यू से तो वो तो इस ग्राउंड को ऐसे हिट करेगा तो हॉरिजेंटल वाली वेलोसिटी तो कभी चेंज ही नहीं हुई, तो यहाँ से जो वर्टिकल वाली वेलोसिटी आ जाएगी वी वाई, तो इसका मैं रिजल्टेंट ले लूँ तो ये जो वी वाई है, तो अगर तुम देखोगे वी वाई की वैल्यू, ये हाइट एच था तो हाइट एस था तो एस इज इक्वल टू यू टी से, या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एक्सिस में लगा दो, ठीक है ना, वाई एक्सिस में लगा दो तो इनिशियली हॉरिजॉन्टल फेंका गया था तो इसका इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में जीरो होगा, तो ये भी वाई स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू जी एच, इसका मतलब भी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh आ जाएगा, और यहाँ से वी एक्स की वैल्यू जो है वो यू आ जाएगी, तो नेट स्पीड बी सी की जा जाएगी वी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर, और ये सब कुछ अंडर रूट, मतलब यू स्क्वायर प्लस 2gh अंडर रूट, ये वाली चीज़, तो ये तीनों का सेम आ गया, मतलब बी ए बराबर बी बी बराबर बी सी, तो इन तीनों की स्पीड सेम रहेगी, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, दोनों मेथड से पहला मेथड ज़्यादा अच्छा था, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।